ठीक हो गया। हेलो, ये बाहिर अली अदर साहब बैठे हैं, इनको जरा मेरे ऑफिस में भेजो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आए बैठे। सर, ये जो आपने गाड़ी की डिटेल शेयर की थी वो तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, हम डील करने से पहले इंस्पेक्शन जरूर करवाते हैं। ठीक है सर, मुझे कोई मसला नहीं, आप करवा लें इंस्पेक्शन। थैंक यू सर, मैं अभी करवाता हूँ। हेलो फरहान, ये जो फॉर्चुनर खड़ी है ना बाइक, इसकी इंस्पेक्शन करवा के रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करें। एक्सक्यूज मी सर। जी फरहान। सर, रिपोर्ट कंप्लीट आ चुकी है, इसके मुताबिक गाड़ी का इंजन, सस्पेंशन और ट्रांसमिशन तो 100% ओके कंडीशन में है, लेकिन गाड़ी की पेंट सर्विस काफ़ी रफ है, उसको हमें दोबारा रिपेयर पेंट करना पड़ेगा। अच्छा सर, रिपोर्ट के मुताबिक तो मुझे आपकी डिमांड अच्छी लगी है। बॉडी पे वो कह रहे हैं स्क्रैचेज है, उसका तो मसला नहीं होता, जाहिर सी बात है रोड पर चलने वाली चीज़ है, वो तो पेंट भी हो जाएगी। मेन चीज़ होती है इंजन, सस्पेंशन, वो आपकी गाड़ी की ठीक है, तो उस हिसाब से हमें डील डन कर लेनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तो फिर ये गाड़ी अब आपकी हुई। ओके सर, ये मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी भाईजान, आपकी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी गाड़ी से रिलेटेड। जी जी, तो मैं गाड़ी देखने आया हूँ। चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आए भाई, मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ। इतनी साफ गाड़ी आपको कहीं से मिलनी नहीं है। ठहर जो उस्ताद जी, है काम साडा जे। ओ भाई, ये कौन है? भाई मैकेनिक नाल लेके आना सी मैं। बड़े तुसी तरीफां दे पुल बन रहे हो ना, हुने पता लग जांदा गड्डी दा। मैं ते सिलेंसर च उंगल मार के दस देना गड्डी किस तरह दी है। ठीक है भाई, चेक करें। भाईजान, आपस की बात है, गाड़ी ने मुझे आज तक तंग नहीं किया। मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके ले ले, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओ गाल सुनो भाई। हाँ जी हाँ जी भाई, गड्डी जिहड़ी है ना 5-6 लाख चली जे, गेयर एदा फर्क है, गेयर पवाना है ते गड्डी ने चलना है, सस्पेंशन भी फर्क है, पर एक गल है जे, पेंट एदा जेनुइन है, रंगी नहीं जे है। चुप करके ले लो। अच्छा चलो, फिर तुसी कह रहे हो तो फिर चंगी शायद होनी, मैं लैना हाल ही को लैना। फड़ो फड़ो जल्दी करो। ते आप बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, डेट में फ्री था तो मैंने कहा बिजनेस ईमेल चेक कर लूं। अच्छा अच्छा बेटा, अपनी मॉम को बोलना मुझे ना मॉर्निंग टी बना दे, मुझे बहुत शदीद हेडेक है। ओहो डैड, मॉम तो सो रही है, मैं आपको मेडिसिन ला दूं? अरे नहीं नहीं बच्चे, इतनी छोटी छोटी बात पे मेडिसिन नहीं लेते, बंदा एडिक्ट हो जाता है। आप ऐसा करना, जैसे ही वो उठती है आप उनको बोल देना, तब तक मैं थोड़ी वॉक कर लेता हूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके ठीक है डैड, आप वॉक कर लें, जैसे ही उठेंगे मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओ कितने मर गए इधर आ, मेरा सिर पाड़ चलई। ओ त्याब जी, अबू जी क्या हुआ आपको? तेनू सुनिया नहीं जा रहा, मेरे सिर च इतनी जोर दिया टराटा पैन दिया ने। तो अबू आप सीढ़ियों में क्यों बैठे हैं? बेड पे है, मैं सर दबा देता हूं। दवाइयां दी कंपनियां पागल ने जिहड़ियां दवाइयां बनांदियां ने, चुप करके मैनू गोली फड़ा मेरे पत्ते चो। अबू जी छोटी छोटी बात पे दवाइयां नहीं खाते, इसका बड़ा साइड इफेक्ट होता है, डॉक्टर्स मना करते हैं। डॉक्टर तेरा प्यो के मैं तेरा प्यो हां, तेनू नजर नहीं आंदे मेरे सिर से पहली दर्द होंदी है, इत्थे लोग तू चाटे लाण लग गए मेरे दिमाग नू। अबू आपके जीव ही मसले, हर बात पे गोली खानी खानी है, ले आता हूं। ए ले अबू, ओए तेरे दिमाग च मगज है, तेनू समझ नहीं आंदी एक गोली नाल मैनू की होना है, कोई 3-4 कट्टियां दे, तेनू नहीं पता मेरा किड्डा वजूद है। 3-4 अबू आप एक काम करें, पूरा पत्ता ही खा लें। पर ले आप पूरा पत्ता, दर जिन्नियां ज्यादा खावांगा उतनी जल्दी फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने चक्कर लगाना था, लेकिन आपको क्या बताऊँ, आपको पता है ना मेड्स आजकल पीछे क्या करती हैं, अगर इनके साथ पे खड़े ना होना कोई भी काम ये अच्छे तरीके से नहीं करती, क्योंकि समरा का यूनिवर्सिटी से आने का टाइम होता है, और जैसे उसने आना होता है ना, तो उसने आकर पूरा घर सर पर उठाया होता है, मम्मा मुझे ये नहीं मिल रहा, मम्मा मुझे वो नहीं मिल रहा, तो मुझे मेड्स को कह कह के उसके काम करवाने पड़ते हैं। ले मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आ गई है, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सुनंदा प्लीज समरा के लिए खाना लगा दो। और बेटा आज यूनिवर्सिटी कैसी रही है? थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी है। मेरी प्रिंसेस ने क्या बात करनी है बोलो? मामा सम्मी को तो आप जानती हैं ना, जो मुझे ड्रॉप करने आता है। मामा आई रियली लाइक हिम एंड ही इज वेरी क्यूट। आपको पता ही है पिछले 4 सालों में यूनिवर्सिटी में कभी कोई भी मसला हुआ ना, हमेशा उसने मेरी हेल्प की और बगैर किसी मतलब की हेल्प की है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और मैं सोच रही थी कि हम लाइफ पार्टनर बना लें एक दूसरे को।
वाई आर यू सो कन्फ्यूज, और आप मुझे ऐसे डर डर के बता रही हो। आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा हक है, क्योंकि जिंदगी आपने गुजारनी है, हमने नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिम तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। वैसे भी एक बात बोलूं, जब वो तुम्हें गाड़ी पर ड्रॉप करने आता है वो इतना मुझे सेक्सी बॉय लगता है ना, और जब बोलते हैं ना आंटी जी, मैं तो उस दिन का वेट करूं जब वो मुझे बोलेगा अम्मी जी। और थैंक यू सो मच मामा, मुझे पता था मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। आई एम सो हैप्पी टू हैव अ मॉम लाइक यू। ऐसे शिके दी झंगी विच मोरे बुलेंदा सानू का बात की भला प्यारा यार दसेंदा। खैर बड़े स्टाइल ना आके बैठी है मस्टंडिये। कुछ नहीं अम्मी जी, मैं थोड़ी नाल एक गल करनी सी। की गल करनी है, कोई चांते नहीं चाड़े मेनू ना खैर की खबर सुनाई। ओहो अम्मी की हो गया जे, बड़ी खुशी दी गल है। शुक्र है खुदा तेरा, ऐसे कुड़ी को ले कोई खुशी दी गल सुनन नु मिली है। खैर हुन दस देंगी अम्मी, तुहानू तो पता है मैनू तुहाडा किन्ना साथ है, नाले तुसीं किथे मेरे रिश्ते लभदे फिरने ने इस उम्र च। मेरी क्लास च जिहड़ा मुंडा पढ़दा ना शबीरा, उहनू बड़ा सोहना लगदा, अबू दे नाल गल करके ते रिश्ता भिजवा दो। हाए अल्लाह, तू किदे दा मुँह काला करा के आ गई, कौन अग लगना शबीरा, तेरे प्यो नू पता लग गया तेनू भी वढ देना ते मैनू भी वढ देना। नहीं नहीं अम्मी की हो गया जे, मैं कुछ नहीं कीता, मैं तुहानू सिर्फ इन्ना आख्या कि वो मैनू पसंद है ते मेरा उहदे नाल विआह करा दो। ये तो किड्डी बेशरम है, किड्डी बेहया है, मेरे सामने ही लगी है कि मेरा उहदे नाल विआह करा दो। तेनू तमीज नहीं है, मैंने मैं तेरे प्यो आंदा है ना, तुहानू कहनी है कि इहनू वांगा पास हो, इहनू पता लगे तेरा कल तो यूनिवर्सिटी जाना बंद, तेरा मोबाइल फड़ना बंद, घर दे बर्तन मान सफाइयां कर, तेरे पता लगे जिंदगी की होंदी है। तेनू मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाइयां से भेजनी हां तो तू उत्थे अपने यार बना आई है। अभी मेरे नाल तो गल करना ही बेकार है, तुसीं तो गल दा पतंगड़ ही बना दित्ता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं स्कॉलरशिप ही पैदा नहीं जानी मैं यूनिवर्सिटी। Oh my God, Dad, check her moves. Nice dance. Yeah, Dad, check her flexibility. She is stunning. Yeah, exactly. Oh, मुझे याद आया, मेरा तो फ्रेंड्स के साथ आज गेट टुगेदर था। Have fun boy, मैं तो जा रहा हूँ। Sure, Dad. Take your time. ਗੈਰਤਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਟਨ ਦਾ ਏ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬੋ ਲਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਗਰਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ। ਅੱਗੂ ਕਲਾਸ ਲੈਣੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਐਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੰਦ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਹੈਂ ਅੱਬੂ ਗਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜਰ। ਖੈਰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਦਿਆ ਸੀ।